कैसा है ये परफ्यूम? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज के वीडियो में हम आदिल कादरी के लैविश मस्क परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने परफ्यूम्स को अपने पैसों से खरीदता हूँ, तो ये कोई प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूँगा और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो अगर आपने इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है, किसी बात से आप डिसएग्री करते हैं, तो मुझे कमेंट में बेशक बताइएगा। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे वीडियो देखने के बाद, ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक फ्लोरल, पाउडरी, ड्राई और मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, ऐसा लगता है कि सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है फ्लोरल नोट का। अब ये अमेलगमेशन लगता है कई किस्म के फूलों के खुशबू का। इसमें आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि ये रोज़ है, कार्नेशन है, लिली है। ये एक जेनेरिक सी खुशबू लगती है और उसको ब्लेंड किया गया है मस्क के साथ। अब जैसे कि इसका नाम है लैविश मस्क, अब इसमें मस्क कैसा इस्तेमाल है पहले ये समझ लेते हैं कि परफ्यूम्स में जब भी मस्क का इस्तेमाल होता है तो क्या किस्म होता है। एक होता है वाइट मस्क, ये ट्रांसफरेबल, ये बहुत ही क्लीन मस्क वाली खुशबू होती है। और दूसरा होता है डार्क मस्क, ये होता है पोटेंट एनिमलिक सी खुशबू होती है। कभी भी जब किसी परफ्यूम कंपनी को कोई मैस्कुलिन डार्क इंटेंस खुशबू वाला कुछ बनाना होता है तो डार्क मस्क का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफरेबल वाइट मस्क का इस्तेमाल है, ये बहुत ही क्लीन खुशबू होती है, साफ कपड़े वाली खुशबू होती है और इसको उमूमन ब्लेंड किया जाता है मिड या बेस में किसी भी टॉप नोट के साथ। और यहाँ पे जेनेरिक फ्लोरल फूलों की खुशबू के साथ इसको ब्लेंड किया गया है, ये पाउडरी हो जाता है। इसमें देखिए ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वनीला का भी टच है, जो कि कभी भी परफ्यूम को बनाने में मिड में और बेस में भी इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा वुडी नोट का भी ऐसा लगता है कि इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो बहुत ही ऐसा है कि एरोमा केमिकल को मिला देते हैं, क्योंकि जब ब्लेंड करते हैं किसी परफ्यूम को तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक मस्क का ही इस्तेमाल है, और भी कुछ नोट्स को जोड़ करके खुशबू को बांधी जाती है। अब यहाँ पे जिस तरीके से फ्लोरल नोट का इस्तेमाल है वो पाउडरी लगता है। अब देखिए बहुत नॉस्टैल्जिक खुशबू है, अगर इसको कभी आप पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ यूनिकनेस है, बहुत पुरानी खुशबू लगती है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि बचपन में शायद आपने कोई टैल्कम पाउडर, आपने ऐसा कुछ इस्तेमाल किया होगा जिसमें फ्लोरल और मस्क की खुशबू होगी। तो उस तरीके से ओल्ड स्कूल खुशबू है, लेकिन बहुत प्लीजिंग खुशबू है जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है। शुरुआत में जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो थोड़ा सा एक अल्कोहल स्पिरिट का ब्लास्ट मिलता है जो कि कुछ सेकंड्स तक रहता है। उसके बाद जो फूलों की खुशबू है वो महसूस होती है, उसके साथ थोड़ा सा जो मस्की और बेस में जिस तरीके से वनीला मैंने बोला वो हल्का सा महसूस होता है, बहुत ही माइन्यूट है। इसको वनीला बेस परफ्यूम नहीं कह सकते, ये मस्क बेस ही परफ्यूम है और वो भी क्लीन साफ कपड़े वाली खुशबू है। अगर मुझे आपको एग्जाम्पल देना हो तो ये काफ़ी पुराना परफ्यूम है जोवैन का मस्क, ये 50 साल पुराना है। अब इसमें जिस तरीके से मस्क का इस्तेमाल है, इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल है, इसमें लैवेंडर का इस्तेमाल है और ये थोड़ा सा वार्म खुशबू वाला है और ये बार्बर शॉप फूजियर खुशबू लगती है, मैस्कुलिन है, अच्छी खुशबू है। अगर मैं लैविश मस्क की बात करूँ इनकी, तो ये थोड़ा यूनिसेक्स लगता है कि अगर इसकी खुशबू किसी को पसंद आए तो मेल या फीमेल इसको कोई भी कैरी कर सकता है, कि यूनिवर्सल सी खुशबू है। और ये भी लगता है कि एक अतर बेस कोई परफ्यूम बनाने वाली कंपनी ने एक परफ्यूम का निर्माण किया है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इसकी खुशबू है एक देसी खुशबू लगती है, जैसे हमने फूलों की बात की। और थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अगर कोई अगरबत्ती वाली खुशबू होती है उसमें से इंसेंस हटा लिया जाए, अगर सिर्फ फूलों की खुशबू उसमें मस्क अगर ऐड कर लिया जाए थोड़ा सा, और बेस में थोड़ा सा चंदन की भी खुशबू महसूस होती है लेकिन बहुत माइन्यूट, तो वैसा कुछ बनेगा। ओवरऑल एक पुरानी सी खुशबू है और आप ये समझें कि अगर आप इसको अपने दादाजी को भी अगर इसको फ्रेग्रेंस ट्राई कराएंगे तो वो ये कहेंगे कि उनके भी ज़माने में ऐसा कुछ मिलता होगा, चाहे साबुन या टैल्कम पाउडर, कुछ ना कुछ। तो नई खुशबू नहीं है लेकिन बहुत प्लीजिंग सी खुशबू है। और मैं ये भी कहूँगा कि सब्जेक्टिव है, पसंद आने की बात है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कोई अतर लगाने का शौकीन इसको लगा करके इसकी खुशबू का लुत्फ उठा सकता है, क्योंकि ओवरऑल एक प्लीजिंग सी खुशबू है। अब इसको अगर आप खरीदेंगे तो ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि बहुत यूनिक और कुछ बहुत स्पेशल सी खुशबू वाला है, नहीं, एक अतर बेस ही, बस इमेजिन करिए परफ्यूम के फॉर्म में है, मस्क बेस
परफ्यूम। और ये भी है कि 15 मिनट बाद ये लगभग पाउडरी होने लगता है, ड्राई खुशबू हो जाती है। तो ओवरऑल अच्छी बात यह है कि इसकी जो लिक्विड है वो ट्रांसपेरेंट है, तो कपड़ों पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई स्टेन या पैच नहीं छोड़ेगा। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। इससे मुझे मॉडरेट एवरेज परफॉर्मेंस मिलती है, लगभग 5 से 6 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूं तो लगभग 10 से 12 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 40 से 1 घंटे तक ये लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रोजेक्शन इसकी बहुत स्ट्रांग नहीं है क्योंकि 15 से 20 मिनट के बाद ये पाउडरी होने लगता है, तो थोड़ा क्लोज टू स्किन आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके 4 से 5 स्प्रे कर लें, लगभग 2-3 कपड़ों पे कर लें, कुछ स्किन पे कर लें, तो ऑप्टिमम जो परफॉर्मेंस है वो आपको हासिल हो जाएगी। ये है कि देखिए, शुरुआत के 1 घंटे तक ऐसा लगता है किसी कमरे में अगर आप एंटर करें तो थोड़ी दूर तक पता चलता है, लेकिन आपके करीब रहती है, आपसे लिपट करके खुशबू रहती है, तो बहुत स्ट्रांग परफॉर्मर नहीं है, खास करके प्रोजेक्शन। लेकिन अगर कपड़ों पे थोड़ा स्प्रे कर लेंगे तो खुशबू लिंगर करेगी, लेकिन ओवरऑल ये है कि 8 से 10 घंटे के बाद आपको फिर से स्प्रे करना पड़ेगा। बात करते हैं इसके इस्तेमाल के बारे में। इसकी खुशबू के हिसाब से मुझे यूनिसेक्स खुशबू लगती है, तो इसको मेल या फीमेल कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बस ये है कि अगर आप यंग हैं, कुछ वेस्टर्न मॉडर्न और सिट्रसी शावर जेल जो मास प्लीजिंग खुशबू वालों को चाहते हैं, तो यह आपके लिए नहीं है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको ट्रेडिशनल, थोड़ा ओरिएंटल, थोड़ा ऐसी पुरानी खुशबू पसंद है, तो आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही इनऑफेंसिव सी खुशबू है, तो ऑल वेदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, खास करके इंडोर्स में, क्योंकि परफॉर्मेंस देखिए प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग नहीं करता है। तो अगर आप बाहर लगा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा स्प्रे करें और अपने पास बॉटल रख लेंगे, तो लगभग 2-3 घंटे बाद अगर फिर से स्प्रे कर लेंगे तो लोगों को इसकी खुशबू पता चलेगी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि देखिए, अगर आप थोड़ा ओल्ड स्कूल मच्योर खुशबू वाला कुछ मस्की पसंद करते हैं तो आप इसको एंजॉय करेंगे, लेकिन अगर कुछ वेस्टर्न जो डिज़ाइनर खुशबू वाले परफ्यूम होते हैं वैसा आपको पसंद है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ खास नहीं है और काफ़ी ओल्ड स्कूल खुशबू लगेगी आपको। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए मैंने इनका ये ट्रायो पैक जो एलिगेंस ट्रायो नाम से आता है इसको खरीदा था 999 रुपये में। तो इसमें मुझे ये 30 ml की बॉटल मिली थी इसकी। मैंने इनका दूसरा भी जो ये कैप्टिवेटिंग ट्रायो करके कहते हैं ये भी खरीदा है। आगे चल करके मैं इनके बारी बारी करके रिव्यू बना दूंगा परफ्यूम्स के, और अगर आप चाहेंगे तो एक रैंकिंग वीडियो भी बना दूंगा। बात करें इसके बॉटल के बारे में, देखिए ऐसा लगता है कि इन्होंने कस्टम बॉटल बनवाया है, तो जैसे उमूमन इंडिया में अभी ब्रांड चल रहे हैं एक ही फैक्ट्री से लगते हैं, वैसा नहीं है। उस हिसाब से बॉटल की क्वालिटी सही है, कैप हल्की है लेकिन स्नगल अच्छा है, और स्प्रेयर देख लें तो स्प्रेयर भी बुरा नहीं है। अब दाम की बात करें तो 999 बेसिकली 1000 रुपये में ऐसा मुझे मिला है 30 ml। इसका भी जब मैं चेक कर रहा था तो 50 ml 800 रुपये में था। तो स्टिल मुझे लगता है कि एक ट्रायो पैक थोड़ा बेहतर ऑप्शन है दाम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपको पहली बात तो 3 परफ्यूम इस्तेमाल करने को मिल रहे हैं और 30 ml है, तो लिक्विड भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। अगर इसका 100 ml आप चाहते हैं तो आपको लगभग 1200-1300 रुपये का शायद मिल सकता है इसका, तो आप देख सकते हैं। बात करें ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस, खुशबू और कैसा है, तो देखिए जैसे हमने बात की कि अगर आपको ट्रेडिशनल और अतर बेस्ड परफ्यूम को चाहते हैं तो आप इसको एंजॉय करेंगे, इनके सभी परफ्यूम्स को। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो आदिल कादरी जो परफ्यूम ब्रांड है, थोड़ा सा अंडरडॉग इफेक्ट भी लगता है कि किसी एक कंपनी ने अतर्स को, जो ट्रेडिशनल अतर हैं, उनको परफ्यूम के तौर पे बनाया है। तो यहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिला है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ईमानदार एक मुझे अप्रोच लगती है। देखिए बहुत सिर्फ ऐसा नहीं लगता है कि पैसा कमाने का अप्रोच है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ अच्छा ऑफर करने की कोशिश की गई है। और ये भी है एट द सेम टाइम कि मार्केट में ऐसा नहीं है कि इनसे बेहतर प्रोडक्ट नहीं बनाने वाली कंपनीज हैं, बल्कि लोकल अगर आप अतर पसंद करते हैं तो लोकल बहुत सी ऐसी दुकान होंगी जहाँ पे इनसे सस्ते अतर्स मिल जाते हैं, इवन परफ्यूम भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस एक सेगमेंट को कमर्शलाइज किया है, आपको आसान कर दिया है ऑनलाइन खरीदना। तो उस तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी कंपनी है, अप्रोच भी सही है। प्रोडक्ट के तौर पे मुझे लगता है कि अगर आप यंग हैं और मॉडर्न खुशबू वाले कुछ पसंद करते हैं तब तो इनके जितने ज़्यादा परफ्यूम है, ये ट्रेडिशनल देसी खुशबू वाले परफ्यूम है, लगाना पसंद कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से एक अतर बेस्ड परफ्यूम के तौर पर कुछ चाहते हैं तो आप इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मेरे इनके जो परफ्यूम्स हैं ज़्यादातर मेरे टेस्ट नहीं है, कुछ पसंद मुझे आए हैं जिनको मैं कभी कभी लगा लेता हूँ। लेकिन अगर मैं लैविश मस्क की बात करूँ तो ये ओवरऑल एक फ्लोरल पाउडरी खुशबू वाला परफ्यूम है, जो थोड़ा पुरानी खुशबू लगती है। अगर आप यंग हैं
तो आपको बेशक समझना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट बुरा नहीं है, बस ये है कि पसंद पसंद की बात है, खुशबू एक सब्जेक्टिव सी चीज़ होती है, तो ये हम समझ के चलें तभी अपने पैसों को हम सही जगह पे लगा सकते हैं। तो अगर आपने इस्तेमाल किया तो मुझे बेशक कमेंट बताएं आपको कैसा लगता है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।